सूर्य मिशन पर निकले भारत के आदित्य L1 ने अपनी सेल्फी ली है। साथ ही इसने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें खींची हैं। इसरो ने आदित्य L1 की ओर से खींची गई तस्वीर को एक्स पर पोस्ट किया है। आदित्य L1 ने 4 सितंबर को चंद्रमा और पृथ्वी की तस्वीरें ली। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। 125 दिनों की यात्रा पर निकला आदित्य अपने साथ 7 पेलोड ले गया है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। इससे पहले आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया मंगलवार को सफलतापूर्वक कर ली गई। इसरो के मुताबिक कक्षा संबंधी दूसरी प्रक्रिया को बैंगलोर स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भारत की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया ISTRC बैंगलोर से सफलतापूर्वक की गई। साथ ही इसरो ने यह भी बताया कि आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2023 को निर्धारित है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी है जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के पास स्थित है और जो सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगी।